नमस्कार साथियों, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। लगातार पंचायत का दौरा कर रहा हूँ, हर पंचायत में हर गांव में घूम रहा हूँ और कई प्रत्याशियों से मिल रहा हूँ और उनका विचार, उनका मुद्दा, उनका विकास करने का तरीका हम जान रहे हैं। इसी बीच मैं पहुँचा हूँ चांदपाली पंचायत में और गाँव कौन सा है सर? भरथुआ गाँव है और वहाँ पे एक भावी सरपंच प्रत्याशी के रूप में इस बार भी चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि निवर्तमान सरपंच के रूप में सम्मिलित हैं, यानी कि 2016 से लेकर 2021 के बीच में सरपंच रहे हैं और इस बार फिर से सरपंच पद के ही चुनाव लड़ने वाले हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार इनका रणनीति क्या है, क्योंकि आने वाले कल में इस बार अगर सरकार सरपंच पद को पद देती है तो उसमें कहीं ना कहीं कार्यपालिका भी शामिल होने वाला है, और क्या इनका विचार है, 5 साल में कैसे न्यायपालिका के तहत काम किया, लोगों के बीच कैसे जाकर न्याय का सही तरीके से काम किया है और किस तरीके से लोगों के बीच हर पक्ष में काम किया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हो। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हमारा नाम है हर राम यादव जी। मैं चांदपाली पंचायत का सरपंच हूँ। सरपंच थे आप? जी पहले थे, हाँ। फिर लड़ रहा हूँ। लड़ रहे हैं जी, यानी कि सरपंच पद से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी जी जी। तो इस बार आपका उद्देश्य क्या है, 5 साल में कैसे आपने काम किया, क्या किया, लोगों के बीच काम किया, न्यायपालिका के तहत कैसे आपने लोगों से जुड़ा, लोगों के तहत सबके पक्ष में काम किया? 5 साल में हमारे पंचायत में ग्राम कचहरी जो है जी जी, उसमें सचिव और न्याय मित्र का बहाली नहीं हुआ था। सचिव और न्याय मित्र का बहाली नहीं हुआ? नहीं, मैंने चार्ज में एक जामापुर पंचायत के सचिव हैं, उन्हीं को चार्ज में रखे थे और मैं बहुत अच्छा से चांदपाली पंचायत को सरपंच पद को निभाए हैं। जी जी जी। आपका पंचायत कौन सा है? चांदपाली। सर ये बताइए कि सरपंच पद में आप रह चुके हैं जी, सरपंच पद का दायित्व क्या होना चाहिए और कैसे आपने निभाया है? सरपंच का मतलब यही होता है न्याय, हमको न्याय करना है, हमको जायज नाजायज देखना है, जो न्याय है उसी को हम लोग करेंगे। अभी सोच तो लंबा है, इस साल थोड़ा पोस्टिंग बढ़ने वाला है, उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं, क्या सोच लेके आ रहे हैं? सोच तो यही है कि हमारा यही सोच है कि कोई ऐसा केस हमारे पंचायत का थाना में न जाए देंगे, उसको यही हम निपटारा करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है और सोच है। अच्छी बात है कि आपका पंचायत जो है जी चांदपाली पंचायत है जी। चांदपाली पंचायत में कितने गांव, कितने वार्ड है? चांदपाली पंचायत में 11 गो वार्ड है, 7 गो गांव है। 7 गांव है जी जी। तो इस सारे गांव में भ्रमण कर रहे हैं आप? हाँ, सारे गांव में घर घर घूम रहे हैं। तो लोगों से रिस्पांस, लोगों से क्या विचार, उनका क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है, क्या लोग कह रहे हैं कि 5 साल में आपने जो काम किया है, जो कार्यपालिका निभाया है न्यायपालिका का जी, आपने सही तरीके से काम किया है? हमारे पंचायत के सभी जनता ठीक है, सब लोग यही बोल रहे हैं कि 5 साल आप रहे हैं, आप ही को रखना है, आप ही को रखना। आप साथ में घूमने क्या कहेंगे? जी जी, वो यही रहेंगे, यही रहेंगे। आप क्या कहेंगे साथ में? यही रहेंगे और ये हमारा चुनाव चिन्ह है, हाँ। इसको थोड़ा लाइट कीजिए। चुनाव चिन्ह क्या है? जोड़ा का बैल। अच्छा, तो यानी कि आपका बैलेट पेपर पे होगा चुनाव? जी जी जी, बैलेट पेपर 6 नंबर पर हमारा चुनाव है, जोड़ा बैल छाप। मैं किसान हूँ, किसान चुनाव चिन्ह मिला है, जनता से अपील करता हूँ कि इस बार फिर हम बनेंगे तो बहुत सारा नया इस पंचायत में जो भी केस होगा, थाना न जाए देने देंगे, कोर्ट नहीं जाने देंगे, यहीं उसको समझौता करेंगे। यानी सरपंच पद का जो निर्वाहित करेंगे कार्यकाल को सही मायने में करेंगे? सही, एकदम सही करेंगे, सबके साथ रहेंगे, सबको साथ रहेंगे। लास्टली संदेश क्या देना चाहते हैं पंचायत के वासियों के लिए, पंचायत के जनता को किस तरह से अपील करते हैं कि लोग आपको मतलब दोबारा से वोटिंग करें? लोग पूरा चांद पहले काम किया है ना जी, बहुत अच्छा किए हैं हमारे पूरा पंचायत में, हमारे बारे में आप सर्वे कर लीजिए। मैं चांदपाली पंचायत के सम्मानित जनतागढ़ से निवेदन करता हूँ, हाँ। कि मैं पहले बार लड़े थे, सब लोग हमको जीताए, हाँ। इस बार भी जीताए, हाँ। मैं सबके साथ। क्यों जीता आपको? यही हमारा लक्ष्य है कि कोई ऐसा केस होगा जो चांदपाली पंचायत में यही अब ग्राम कचहरी में खत्म कराए। तो 5 साल आपने काम किया? एकदम किए हैं, हमारे बारे में पता कर लीजिए, हाँ एकदम अच्छा से किए हैं, सबके साथ रहे हैं। जी जी, जो मतलब एक सुनने में आता है कि पंचायती राज में जनता दरबार या जो पंचायती चुनाव होता है, पंचायती मतलब कि जिसमें किसी को मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, उसमें चुनाव करने में कौन सबको मतलब पक्ष में काम करना है, सबके देखरेख में काम करना है, ये सब काम एकदम किए हैं। जनता दरबार लगाना, चौपाल, ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी लगाना, ग्राम कचहरी लगता है हर एक शनिवार को, हाँ।
हमारे यहाँ न्याय मित्र सचिव का बहाली नहीं हुआ, फिर भी मैंने डेली मैंने काम किया है। डेली हमारे दरवाजा पर, ग्राम कचहरी पर कोई हमारे पंचायत के लोग गए हैं, सबका मैं काम किया हूँ। तो इस बार अपने जीत के प्रति कितना सोचते हैं, क्योंकि इस बार सरपंच पद में न्यायपालिका के तहत कार्यपालिका भी संभालने वाला है, यानी कि कुछ फंड भी आने वाला है, तो बहुत सारे लोग इसमें फंड की वजह से भी चुनाव लड़ने वाले हैं इसमें? ना ना, वो लक्षण हमारा नहीं है। हम एकदम शांति दिमाग का हूँ। वो हमारा कोई ये थी नहीं कि मैं 10 रुपये के लालच से कमाने के लिए, ना। वो हम एकदम निस्वार्थ, हाँ यही हमारा लक्ष्य है। अच्छा, अपना नाम पूरा? हमारा नाम है हरिराम यादव। घर प्रत्याशी आप ही हैं? जी हम ही हैं। गांव का घर कहाँ पर? घर है चांदपाली छावनी टोला। छावनी टोला जी। चलिए, आपका चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह जोड़ा बैल छाप मिला है, 6 नंबर पर है, जो बेल्ट पे 6 पे ना? जी 6। धन्यवाद। तो साथियों, देखा कि हम बात किए ग्राम पंचायत चंदपली से सरपंच पद में चुनाव दूसरी बार लड़े हैं, कि इस बार भी सरपंच के पद में सम्मिलित हैं। 2016 से लेकर 2021 के बीच में सरपंच पद रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने कुछ लिया है, आप समर्थन दें, हम बदलाव लाएंगे, गरीबों के हक के लिए कदम उठाएंगे, क्या मतलब बनता है इसका? मैंने लक्ष्य यही है, कोई माने गरीब आदमी कोई झगड़ा हो गया, केस हो गया, तो थाना में न जाए, निःशुल्क यहाँ हम पंचायती करके उसको समाधान कर देंगे। जी वही हमारा लक्ष्य, वादा करते हैं, एकदम चैलेंज भी है आप जी किए हैं, पता कर लीजिए हमारे पूरे पंचायत में। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने देखा बात की हरिराम यादव जी से, क्योंकि पूर्व में 2016 से लेकर 2021 के बीच में सरपंच रहे हैं, और इस बार भी 2021 के बाद 2022 आने वाला है, अब आ भी चुका है, और उसमें जो चुनाव बहुत सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, यानी कि मुखिया पद में, बीडीसी में, वार्ड में, सरपंच पद में और जिला परिषद में, यानी कि पंचायती राज का सबसे छोटी इकाई एक होता है पंचायती चुनाव, और इसमें ये अहम भूमिका निभाने वाले हैं चुनाव लड़कर। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है, हरिराम यादव का चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, जोड़ा का बैल, यानी 6 नंबर पर वैलेट पे है, आप देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, कैमरा रोहित के साथ, थैंक यू।